खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का जो मौजू है वह है ला तब्दील बाइबल। ला तब्दील बाइबल यानी बाइबल जो तब्दील नहीं है। जैसे ही या जब भी कभी कोई मुसलमान दोस्त रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी मसीही से मिलता है तो किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी मकाम पे ताने के तौर पे, सवालिया निशान में मुसलमान दोस्त मसीही को कह देते हैं तुम्हारी तो बाइबल ही बदली हुई है, तुम्हारी बाइबल तब्दील हो चुकी है, तुम्हारी वो बाइबल रही नहीं है। ये ताना जाने के तौर पे है, सवालिया अंदाज में, तंज के तौर पे। उनकी मर्जी है, इसलिए कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं। जिस टीम से उनका ताल्लुक है, थोड़ी देर के बाद जिक्र करूंगा कि उनकी टीम है क्या, उन्वान ला तब्दील कलाम, ला तब्दील बाइबल। ये क्यों ला तब्दील है, बाइबल मुकद्दस क्यों ला तब्दील है, इसको जानने के लिए हमें ठोस दलायल देनी है, आम बातें नहीं करनी है। और आज का जो मैसेज है ये हर मुसलमान समझ ले, हर मसीही समझ ले, और कोशिश करें कि इस मैसेज को अपने सीडीज में, डीवीडीज में कन्वर्ट करें और आइंदा नस्लों के लिए रख छोड़ें, ताकि हर नस्ल हर जमाने में लोग इससे फायदा उठाएं। कुछ लोग नाम के मसीही बन रहे हैं, हैं वो मुसलमान और वह मसीही बन के हमें ताना दे रहे हैं, सबक सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्रामों को जारी ना रखें और आएं बाएं शाएं की बातें कर रहे हैं। हैं मुसलमान, क्रिश्चियन शो करके अपने आप को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं वो समझ लें कि वो अपनी ही हमाकत में इस दुनिया को खैर बात कह जाएंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम अटल है, उसके फैसले अटल हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ला तब्दील खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस ला तब्दील खुदा का ला तब्दील कलाम है, इसलिए कि बाइबल का जितना भी मुआद है वो कलाम खुदा कहलाता है, और खुदा खुद कलाम है, मेन कलाम। जैसे कि आप यूहन्ना के पहले बाप पहली आयत में पढ़ते, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो कलाम में से कलाम निकला जो नबियों तक पहुंचा, तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, कलाम में से कलाम नबियों तक पहुंचा, और नबियों ने आगे कलाम को फैलाया और खुदा कुद्दूस के बारे में लोगों को बताया। यूं कलाम खुदा यानी बाइबल मुकद्दस जो सच पे मबनी है, लोगों से खुदा कुद्दूस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हम कलाम होता है, बताता है, सिखाता है। ये जानने के लिए कि खुदा ला तब्दील है, हमें पहले बाइबल मुकद्दस की सदाकत को देखना है, जो कि खुदा का कलाम है। वो क्या फरमाती है बाइबल मुकद्दस, कि खुदा ला तब्दील खुदा है। मेरे साथ मेरे खसूसी दोस्त इस कलाम को हमारे लिए पढ़ा चाहते हैं। जबूर 102 आयत 27, 102 जबूर उसकी 27वीं आयत।
पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। सुन ले ध्यान से हमेशा के लिए, खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में कहती है कि खुदा ला तब्दील है, और चूंकि खुदा ला तब्दील है तो बाइबल मुकद्दस ला तब्दील हुई, क्योंकि ला तब्दील खुदा में से, खुदा का कलाम जो ला तब्दील है नबियों की मार्फत लोगों तक पहुंचा, तो ला तब्दील खुदा का ला तब्दील कलाम बाइबल मुकद्दस है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, कलाम खुदा को, बाइबल मुकद्दस को सादा लफ्जों में तहरीर कर देना सच्चे सुथरे मानी मफहूम के साथ, ताकि कम पढ़े हुए लोग भी उसको समझ सकें, ये पूरी मसीहत की कावश थी, है और रहेगी। सिंप्लीफाई करना, आसान करना बाइबल मुकद्दस को आसान मानी मफहूम के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा कलाम का प्रचार हो। लेकिन सारे सच्चाई में जो ला तब्दील खुदा के बारे में सच्चाई है, अगर वो तब्दील नहीं तो कुछ भी